हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी टेक में। और आप सभी के लिए हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है ओप्पो, वीवो और वन प्लस के जो मतलब कि कंपनी जो उनकी एक ही पेरेंट कंपनी है, मतलब कि जो वन प्लस, ओप्पो और वीवो ने जो इस साल किया है, मतलब कि उसके बारे में आज मैं बताऊँगा आपको। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि जो वन प्लस, ओप्पो और वीवो ने इस साल काफ़ी इनोवेशन लाया है मार्केट में। लेकिन दोस्तों, जो 2017 में जब मतलब कि स्मार्टफोन ने जो क्या बोलते स्मार्टफोन्स लाए थे, वो उसमें मतलब कि काफ़ी कमी थी, देखने को मिलती थी। जैसे कि वो कोई पुराना सा मीडिया टेक का प्रोसेसर यूज़ करते थे, या फिर कोई मतलब कि मिड रेंज के स्मार्टफोन्स जो उनके थे, जैसे कि ए सीरीज़, उसमें वो बजट रेंज और जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन थे उसमें वो मिड रेंज प्रोसेसर यूज़ करते थे। तो दोस्तों, वो मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सेल्फी के ऊपर ध्यान देते थे। लेकिन जैसे ही दोस्तों 2018 आया, उन्होंने काफ़ी इनोवेशन लाए, जैसे कि उनकी जो सीरीज़ नेक्स्ट सीरीज़ और जो फाइंड एक्स सीरीज़ थी, उसमें मतलब कि काफ़ी अच्छे इनोवेशन लाए। और ऐसे इनोवेशन लाए कि जो एप्पल और जो मतलब कि बाकी जो भी इनोवेटिव कंपनीज़ है, जैसे कि बड़ी बड़ी फ्लैगशिप कंपनीज़, उन्होंने भी उस टाइप के इनोवेशन मार्केट में नहीं लाए। तो दोस्तों, इसका मतलब कि जो कस्टमर थे उसके ऊपर एक तरफा प्रभाव पड़ा। और जो कस्टमर था, मतलब कि उन्होंने सोचा कि इसमें काफ़ी इनोवेशन आ रहा है तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होगा। तो दोस्तों, जैसे भी उन्होंने स्मार्टफोन लाए, वो मतलब कि डायरेक्ट, जैसे कि आप जानते हो कि रियलमी के जो फ़ोन्स थे, उन्होंने शाओमी के फ़ोन को सीधी टक्कर दे दी। और जो रियलमी के स्मार्टफोन ने मतलब कि जो मार्केट शेयर है काफ़ी हद तक हासिल किया, क्योंकि दोस्तों उसका जो कैमरा है वो भी अच्छा है और लगभग हर एक स्पेसिफिकेशन अच्छे है। जैसे कि उसमें AI का इंटीग्रेशन किया गया तो काफ़ी अच्छे ढंग से हुआ। तो दोस्तों, इस तरह से, क्योंकि दोस्तों जो ओप्पो जो मतलब कि रियलमी कंपनी का जो पेरेंट है, उस तरह से मतलब कि जो ओप्पो को जाना जाता था सेल्फी और कैमरा के लिए, तो दोस्तों उसमें भी जो रियलमी के स्मार्टफोन्स है उसमें भी काफ़ी हद तक जो कैमरा है वो बहुत ही अच्छे है, और उसको वन AI के साथ जोड़ा गया है। तो दोस्तों, इस तरह से काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन के रूप में रियलमी के स्मार्टफोन देखने को मिले। दोस्तों, जो मतलब कि फ्लैगशिप कंपनीज, जैसे कि आप जानते हो ओप्पो और वीवो, तो दोस्तों जो ओप्पो और वीवो ने मतलब कि अपने स्मार्टफोन में काफ़ी हद तक जो स्लाइडिंग कैमरा का मैकेनिज्म लाया, और जो उनकी जो स्क्रीन थी वो लगभग बेजललेस थी। तो दोस्तों, इस तरह से उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से इनोवेशन लाया, और उन्होंने जो मतलब कि वाटर ड्रॉप नॉच थी उसको भी लाया, तो बहुत ही अच्छा था। दोस्तों, इस तरह से आज की डेट में कंपनी काफ़ी अच्छे ढंग से आज की डेट में काम कर रही है। तो दोस्तों, इसी तरह जो उनका स्मार्टफोन ब्रांड है वन प्लस, तो दोस्तों जो वन प्लस स्मार्टफोन है वो भी काफ़ी मतलब कि आज की डेट में जो 40,000 की रेंज तक जो भी स्मार्टफोन आते हैं उसमें सबसे बेस्ट स्मार्टफोन के रूप में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसी तरह रियलमी, ओप्पो, वीवो और वन प्लस काफ़ी अच्छी कंपनीज के रूप में देखने को आई है। तो दोस्तों, जो मतलब कि 5G में क्या बोलते हैं, जो 2019 में आएगी स्मार्टफोन्स, तो दोस्तों उसमें भी लगभग काफ़ी अच्छे ढंग से उसमें पार्टिसिपेट करेगी वन प्लस की टीम। तो दोस्तों, जैसे कि ओप्पो के जो R17 स्मार्टफोन है, तो दोस्तों वो जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन कैटेगरी के जो भी स्मार्टफोन है, जैसे कि वीवो के स्मार्टफोन है, जैसे कि नेक्स्ट सीरीज़ वीवो की है, फाइंड एक्स सीरीज़ ओप्पो की है, और जो वन प्लस स्मार्टफोन है, तो दोस्तों इन सभी में मतलब कि अब टाइम टू टाइम आपको अपग्रेड वगैरह देखने को मिलेंगे, मतलब कि इनोवेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अब 5G मतलब कि जल्दी ही आने वाला है, और जो 5G को सपोर्ट करेगा वो प्रोसेसर होगा 855, जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। तो दोस्तों, जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर 855 है, वो आपकी 10 GB रैम को भी सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, इस तरह से मतलब कि काफ़ी इनोवेशन देखने को मिलेगा आपको इन स्मार्टफोन में। तो दोस्तों, इनोवेशन प्लस कैमरा प्लस मतलब कि जो भी काम किया इन्होंने, तो दोस्तों वो बहुत ही अच्छे किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मेरे चैनल बी टेक में, आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।
दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।